हाय, मैं हूं डॉक्टर राजेश सिंह, आपका वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट। और आज के इस गोयंग वेलनेस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हल्दी की और उसके अंदर पाए जाने वाले कर्क्यूमिन की। इस सेशन में हम जानेंगे हल्दी के कुछ ऐसे फायदे जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। 10 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ कर्क्यूमिन पे हम इस सेशन में बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट सेशन, 20 से 25 मिनट। तो चलिए हम शुरू करते हैं हल्दी के अंदर पाए जाने वाले कर्क्यूमिन से। हल्दी को हम अक्सर जानते हैं, हल्दी का मतलब सब समझते हैं, हल्दी रोज इस्तेमाल करते हैं, दाल बनी तो हल्दी के बिना नहीं बनती। लेकिन जब कर्क्यूमिन की बात आती है तो बहुत सारे लोग उसको ठीक से नहीं समझते और कुछ लोग तो हल्दी के पाउडर को कर्क्यूमिन समझते हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये कर्क्यूमिन आखिर चीज क्या है। तो सिंपल शब्दों में ऐसा है कि हल्दी के एक्सट्रैक्ट को कर्क्यूमिन कहते हैं। हल्दी से यदि कोई अर्क जैसी चीज़ निकाल ली जाए तो उसे कर्क्यूमिन कहते हैं। हल्दी की यदि बात की जाए तो हमारे देश में शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पीले रंग का ये एक मसाला है जो हर किचन में, हर घर में 100% पाया जाता है। मसाले के अलावा इसके और कई इस्तेमाल होते हैं, जैसे हल्दी का इस्तेमाल दूध में डालकर किया जाता है। आप दूध में हल्दी लेके पीते होंगे, गोल्डन मिल्क बहुत फेमस है विदेशों से लेके यहाँ तक। आप कोई महंगे कैफ़े में चले जाएं, स्टारबक्स या किसी और चीज़ में, तो वहाँ पे आपको मिल्क लाटे और गोल्डन मिल्क भी मिलेंगे। तो ये हल्दी के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा हल्दी के बिना हमारे देश में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल पिछले 3000 से भी ज़्यादा वर्षों से किया जाता रहा है। अब कर्क्यूमिन की बात करते हैं कि कर्क्यूमिन क्या है। तो एक तरीके का रसायन है जो हल्दी के अंदर पाया जाता है और हल्दी पाउडर के अंदर पाए जाने वाला ये एक प्रमुख कंपाउंड आप कह सकते हैं, और इसी को कर्क्यूमिन कहा जाता है, जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और जिसकी वजह से टर्मरिक फेमस है। हल्दी में वो मेडिसिनल गुण नहीं होते, वो उसके अंदर पाए जाने वाले कर्क्यूमिन में होते हैं। अब ये कर्क्यूमिन इतना पावरफुल होता है इन टर्म्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे कि इसकी औषधीय गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये परहैप्स मोस्ट इफेक्टिव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है एग्जिस्टेंस में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें 300 से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, जिसके अंदर यदि आप मेरे से पूछें तो बीटा कैरोटाइन, एब्जॉर्बिक एसिड जिसको आप विटामिन सी कहेंगे, कैल्शियम, फ्लेवोनॉइड्स, फाइबर, आयरन, नियासिन, पोटेशियम, जिंक, सारे कुछ प्रचुर मात्रा में होते हैं इस कर्क्यूमिन के अंदर। अब ये कर्क्यूमिन कहाँ होता है, कितना होता है, उसको समझें। यदि टर्मरिक और कर्क्यूमिन को कंपेयर करें, वर्सेस करें, तो कर्क्यूमिन बहुत कम मात्रा में हल्दी के अंदर पाया जाता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक कटोरी में आपने हल्दी लिया, समझो 100 ग्राम हल्दी लिया, तो उसमें सिर्फ 2 से 5 ग्राम कर्क्यूमिन होगा, सिर्फ 2 to 5% कर्क्यूमिन पाया जाएगा। और यह प्रतिशत हल्दी की गुणवत्ता और उसके प्रोसेसिंग के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, 3% हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ऑल दैट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक कटोरी 100 ग्राम का हल्दी लें तो उसमें सिर्फ आधा चम्मच या लगभग 4 से 5 ग्राम ही कर्क्यूमिन आपको मिलेगा। इतनी कम मात्रा में कर्क्यूमिन हल्दी में आपको मिलता है। और जो कर्क्यूमिन है वो एक मैजिक हर्ब है जिसमें वैरायटी ऑफ थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, एंटी माइक्रोबियल है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला है। कर्क्यूमिन के पावर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कर्क्यूमिन NFKB के एक अवरोधक के रूप में काम करता है। अब साइंस में जाए बिना यदि आप NFKB को समझना चाहते हैं तो NFKB का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बी, और ये एक प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। और ये NF-kappa-B 3 चीजों को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। पहला है DNA के ट्रांसक्रिप्शन को, दूसरा है साइकोटीन प्रोडक्शन को जो हमारे इम्यूनिटी से सीधे सीधे कनेक्टेड है, और तीसरा कोशिकाओं के सर्वाइवल को। इसलिए इसका जो पाथवे लिंक है
NFKB का, वो हमारे इन्फ्लेमेशन से, हमारे वायरल इन्फेक्शन से, हमारे ऑटो इम्यून डिजीज से और हमारे कैंसर जैसी चीज़ों से सीधे सीधे कनेक्टेड है। और हल्दी क्या करता है, तो कर्क्यूमिन NFKB का पावरफुल अवरोधक का काम करता है और हमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और कैंसर जैसी चीज़ों से बचाता है। चलिए अब जानते हैं कर्क्यूमिन के 10 अमेजिंग बेनिफिट्स, 10 अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ कर्क्यूमिन, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं अगले कुछ मिनटों में। सबसे पहला लेने की बात करते हैं, ये रहे 10 के 10। सबसे पहला, हम एक एक करके 10ों को लेंगे। सबसे पहला अमेजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है कर्क्यूमिन में, इसीलिए हल्दी को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है इन्फ्लेमेशन के मामले में। हल्दी के अंदर पाया जाने वाला कर्क्यूमिन में कूट कूट के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भरे हुए हैं। कर्क्यूमिन का ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसको एक जबरदस्त औषधि या मेडिसिन बना देता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल चोट में, दर्द में, ऑस्टियोपोरोसिस में, ऐसी तकलीफों में किया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि कहीं चोट लग गई है ना, कुछ हो गया तो तुरंत सूजन हो गई तो हल्दी का उस पर लेप लगाया जाता है। जब चोट लगती है तो हल्दी का लेप लगाया जाता है, ऐसा इसलिए कि इस गुण के कारण। कर्क्यूमिन के इस्तेमाल से शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन को दूर किया जा सकता है। दूसरा, इट फाइट्स कैंसर एट सेल्युलर लेवल। यस, एट सेल्युलर लेवल कैंसर को फाइट करने में कर्क्यूमिन का रोल है, और ये है दूसरा गुण इसका, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। जो आपने पिछले स्लाइड्स में हमने देखा NFKB के बारे में, NF-kappa-B के बारे में हमने समझा था, वो वाली वजह से कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में कर्क्यूमिन मददगार होता है। एंड इट कैन बी एनी टाइप ऑफ कैंसर बिकॉज NF-kappa-B इज वर्किंग एंड प्रिवेंटिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेल्दी सेल्स टू ट्यूमर सेल्स। तो कैंसर किसी भी टाइप का हो, ट्यूमर ही नहीं बनने देगा, ट्यूमर बनने से रोकता है। कर्क्यूमिन का नियमित सेवन DNA की सुरक्षा में भी मदद करता है। अब ये आप प्रोसेस को यदि देखेंगे, कर्क्यूमिन कुछ एंजाइमों को अवरुद्ध करता है जो कैंसर की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये है वो प्रक्रिया जो मैंने अभी स्लाइड पे रखी है, ट्यूमर सेल बनने की, उसके ग्रोथ की और उसके स्प्रेड की। कैंसर बनने में यही प्रोसीजर हो रही है। कर्क्यूमिन इन हर स्टेज में कैंसर से लड़ता है और इसीलिए कैंसर से बचाव के लिए आपको कर्क्यूमिन का सेवन करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, और तीसरा बेनिफिट है कि कर्क्यूमिन स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जब हार्ट हेल्थ की बात आती है तो ये बड़े कमाल की चीज है। कर्क्यूमिन करता क्या है, तो ये रक्त वाहिनियों में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनकी दीवारों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। कर्क्यूमिन धमनियों को वैसोडाइलेशन की तरफ ले जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। कर्क्यूमिन हमारे कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी नियंत्रित करता है। कर्क्यूमिन हमारे दिल की मांसपेशियों की कार्य क्षमता को भी सुधारता है। धमनियों की दीवारों को यदि मजबूत बनाया तो अपने आप वो स्वस्थ रहती हैं, जिससे प्लाक के निर्माण का काम कम होने लगता है, प्लाक कम बनता है और इससे एथेरोक्लेरोसिस और अन्य हृदय रोग के जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कर्क्यूमिन हार्ट हेल्थ के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अब चलिए बात करते हैं चौथे बेनिफिट की। कर्क्यूमिन का चौथा बेनिफिट है आर्थराइटिस में राहत। और आज के समय में जहाँ ऑटो इम्यून का प्रचलन हो गया है बहुत ज़्यादा, और अर्थराइटिस सबको ऑलमोस्ट होते रहता है, प्रॉब्लम्स होती रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन हो चुका, वहाँ पे कर्क्यूमिन हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। बिकॉज ऑफ दैट इट रिड्यूसेस पेन एंड इंक्रीजेस द ईज ऑफ मूवमेंट, जो अर्थराइटिस के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, ज़रूरी चीज़ होती है। अर्थराइटिस में यही दो तकलीफें होती है, एक तो दर्द और दूसरा मूवमेंट में दिक्कत। कर्क्यूमिन इन दोनों पर काम करता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑन इन्फ्लेमेशन, पेन एंड स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ बेनिफिट ऑफ कर्क्यूमिन। पांचवा जो बेनिफिट है वो है कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण। मुख्य तौर पे कर्क्यूमिन जो है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को प्रभावित करता है।
यह ना सिर्फ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है बल्कि एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से भी बचाता है। करक्यूमिन ऑल्सो सप्रेसेस प्लाक बिल्टअप इन द आर्टरीज, जो हमने पिछले स्लाइड में समझा था। तो यदि आपको कोलेस्ट्रॉल इशू है या फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट डिजीज कभी रहा है तो आपको करक्यूमिन जरूर लेना चाहिए, हर दिन करक्यूमिन जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं छठे बेनिफिट की, और छठा बेनिफिट है अल्जाइमर डिजीज से बचाओ। अब हम कहेंगे कि अल्जाइमर डिजीज से तो हमारा संबंध नहीं है, लेकिन यदि आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, एनएचपी का, नेशनल हेल्थ पोर्टल का आंकड़ा, भारत का आंकड़ा, तो आपको पता चलेगा कि हम धीरे धीरे अमेरिका बनते जा रहे हैं अल्जाइमर और इस बीमारियों के मामले में। आपके भी रिलेटिव में, आपके भी घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसकी कि मेमोरी धीरे धीरे कम होती जा रही होगी और जो है वो अपना खुद का नियमित डे टू डे काम भी कर नहीं पा रहा होगा, वो भूल रहा होगा, लोगों को नहीं पहचान रहा होगा। तो ये अल्जाइमर और ये जो डिमेंशिया जैसी चीज़ें बहुत कॉमन होती चली जा रही है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी है। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय ना ले पाना या बोलने में दिक्कत आना, तथा फिर इस तरीके के जो सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की यदि बात की जाए तो वो स्थितियां गंभीर होती चली जाती हैं। आप खुद के लिए ही अपने को संभाल नहीं पाते, आप अपना खुद का दैनिक जो आपका रूटीन है उसको आप खुद से नहीं कर पाते, तो ये एक बड़ी मुश्किल स्थिति बनती चली जाती है। करक्यूमिन का इसमें क्या कनेक्शन है? तो करक्यूमिन खाने से घटता है अल्जाइमर का खतरा, और ये साइंस प्रूव करता है। ये रिसर्च में, बहुत सारे स्टडीज में इसको प्रूव किया गया है। करक्यूमिन एक्चुअली मेंटेन्स द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ योर सेरेब्रल वेसल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड जिसको कि अल्जाइमर की बीमारियों का खतरा कम करवाना है, उसके लिए करक्यूमिन बड़े काम की चीज है। अब चलते हैं सातवें बेनिफिट पे, और सातवां बेनिफिट है मैनेज एंड कंट्रोल डायबिटीज, मधुमेह का नियंत्रण। डायबिटीज कंट्रोल के लिए करक्यूमिन तीन तरीके से काम करता है। पहला तरीका कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस टुडे, इंक्लूडिंग डायबिटीज। तो रूट कॉज ऑफ डायबिटीज यदि इन्फ्लेमेशन है और ये हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो सबसे पहला तो इन्फ्लेमेशन कम किया। डायबिटीज नहीं है तो भी, और है तो भी, इन्फ्लेमेशन कम किया। दूसरा जो है वो मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग डायबिटीज है, क्योंकि करक्यूमिन अफेक्ट करता है मोस्ट ऑफ द लीडिंग आस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज को, इंक्लूडिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया, इन सब पे करक्यूमिन काम करता है, और इसीलिए ये जो है मैनेज करता है, कंट्रोल करता है आपके डायबिटीज को। और जो तीसरा फैक्टर है वो ये कि करक्यूमिन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है। आपने फास्टिंग पीपी ब्लड टेस्ट करा लिया, आपने इंसुलिन मेटफॉर्मिन के डोज को रेगुलेट कर लिया, ये तो उस डायबिटीज की बात हुई, लेकिन डायबिटीज से होने वाले जो इफेक्ट्स आ रहे हैं आपके बॉडी पे, जो कॉम्प्लिकेशंस बन रहे हैं बॉडी में, उनका क्या? नर्व्स पे, रेटिना पे, किडनी पे, आपके जेनिटल्स पे, आपके सारे के सारे पैर के नसों पे, ये जो प्रभाव छोड़ते जा रहा है उस पे करक्यूमिन बहुत बढ़िया काम करता है। अब करक्यूमिन के आठवें टॉप बेनिफिट की बात करते हैं, और आठवां जो बेनिफिट है वो हमने लिया है इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर, सुपर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो करक्यूमिन के अंदर पाया जाता है। करक्यूमिन हमारे बॉडी को एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट के मामले में बूस्ट करता है, बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? हमारी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाता है, जिससे हम हार्ट डिजीज, कैंसर या अनटाइमली एजिंग जो होती है, असमय उम्र बढ़ने लगी है, उस जैसी बीमारियों को हमसे दूर रखता है, उनसे हमें बचाता है। करक्यूमिन एक लिपोफिलिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये विटामिन ई की तरह एक चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के कुछ और फायदे समझते हैं कि क्या क्या फायदा करता है।
एक तो सुपर एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कर्क्यूमिन हमारे सेल्युलर ग्लूटाथियोन लेवल को बढ़ाता है, जो हमें विभिन्न तरीके के बीमारियों से बचाता है डे टू डे लाइफ में। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट आपके बढ़ते उम्र के साथ सौंदर्य को बनाए रखता है। हर आदमी सौंदर्य बना के रखना चाहता है। और जो तीसरी चीज करता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कर्क्यूमिन के अंदर है, कर्क्यूमिन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके असमय एजिंग को रोकता है और साथ ही एज रिलेटेड जो क्रॉनिक डिजीज हैं उनसे भी लड़ता है। अब बात करते हैं कर्क्यूमिन के नौवें बेनिफिट की। नाइन्थ बेनिफिट जो है वो है आपका ब्रेन फंक्शन। हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एक ब्रेन हार्मोन होता है जिसे हम BDNF कहते हैं, मतलब ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, BDNF। कर्क्यूमिन इस BDNF के लेवल को बूस्ट करता है और ब्रेन में नए न्यूरॉन्स के ग्रोथ को बढ़ाता है। है ना कमाल की चीज़। ये छोटा सा दिखने वाला हल्दी और उसमें पाया जाने वाला कर्क्यूमिन हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन के ग्रोथ को बढ़ाता है। कर्क्यूमिन हेल्प्स इन फाइटिंग वेरियस डीजेनरेटिव प्रोसेसेस इन योर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन एज के साथ डीजेनरेट होता है। इसलिए यदि आप अपने ब्रेन फंक्शन को उम्र के साथ चुस्त दुरुस्त रखना चाहते हैं तो कर्क्यूमिन का नियमित सेवन करें। और चलिए अब बात करते हैं दसवें और आखिरी बेनिफिट की, और वो बेनिफिट है इम्यूनिटी के बारे में। हमारा इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्क्यूमिन एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है और इसमें तीन खास इम्यून बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज हैं। पहला, प्रीबायोटिक लाइक प्रॉपर्टीज। दूसरा है ओमेगा 3 बूस्टिंग प्रॉपर्टीज। और तीसरा है कॉर्टिसोल लेवल को घटाने का गुण जो कर्क्यूमिन में होता है। इसलिए यह कुछ एंटीबॉडीज के रेस्पॉन्स को एनहांस करता है और साथ ही प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहती है। तो हम बात कर रहे थे ये 10 अमेजिंग बेनिफिट्स की जो कर्क्यूमिन में हैं, और ये कर्क्यूमिन हमारे उस हल्दी में पाई जाती है। और यदि आपको लगता है कि आपने दाल में थोड़ी सी हल्दी डाली है और ली है, तो शायद आपने उस मात्रा में कर्क्यूमिन नहीं लिया है जिससे ये फायदे होने वाले थे, क्योंकि उस 100 ग्राम में सिर्फ 2 से 3 ग्राम 5 ग्राम तक कर्क्यूमिन था, और आपको जो कर्क्यूमिन की मात्रा लेनी थी उसके लिए आपको वो 3-5 चम्मच हल्दी खाना पड़ेगा, और जो कि आपने खाया नहीं है, खा भी नहीं सकते। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि कर्क्यूमिन के साथ प्रॉब्लम क्या है। कंक्लूड करने के लिए यदि बेनिफिट्स को दें तो ये एक स्लाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैंने आपके लिए खास बनाई है, और वो स्लाइड है कि कर्क्यूमिन आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। क्योंकि वो 10 बेनिफिट को यदि आप देखेंगे तो वो 10 बेनिफिट को टुगेदर समेशन बनाएंगे तो वो आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, आपको दीर्घायु बनाता है और आपको डिप्रेशन से भी बचाता है। लेकिन कर्क्यूमिन की सही मात्रा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसको समझते हैं। द प्रॉब्लम इज पुअर एब्जॉर्प्शन। कर्क्यूमिन के साथ एक समस्या है कि यह हमारे शरीर में पूरी तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता है। इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि यह पानी में घुलता नहीं है, इसलिए यह आसानी से शरीर द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता। दूसरा कारण यह है कि यह हमारी शरीर की प्रकृति के हिसाब से हमारा शरीर कर्क्यूमिन को तेजी से मेटाबोलाइज करता है, जिससे इसका प्रभावी स्तर कम हो जाता है। और तीसरा कारण है कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी, मतलब कर्क्यूमिन की शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली मात्रा बहुत कम होती है। बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है, इसलिए इसकी बहुत कम मात्रा हमको मिल पाती है। 100 ग्राम की हल्दी में 2 से 4 ग्राम 5 ग्राम तक कर्क्यूमिन था, और हम हल्दी ही ले रहे थे 5 ग्राम, तो कर्क्यूमिन बहुत कम मिला और उसकी भी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो हमारे शरीर को जो कर्क्यूमिन एक्चुअली मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो क्या है इसका उपाय? तो एक तो उपाय है ये पाइपरीन। पाइपरीन वो गोल मिर्च के छिलके के अंदर पाया जाने वाला एक तरीके का पदार्थ है,
जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए काली मिर्च से निकला या उसके अंदर से मिलने वाला ये पाइपरीन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि कर्क्यूमिन प्लस पाइपरीन इज इक्वल टू अ परफेक्ट मैच। बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है कितनी, 154% जब कर्क्यूमिन को पाइपरीन के साथ मिला लिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है कितना, 78% तक। कर्क्यूमिन के टॉप 10 बेनिफिट्स और बायो अवेलेबिलिटी को जानने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि कर्क्यूमिन की नियमित सही मात्रा लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि हल्दी पाउडर लेके आप वो कर्क्यूमिन की मात्रा नहीं ले सकते। तो क्या तरीका है, आसान तरीका क्या है, उसकी बात करें। हाउ टू टेक कर्क्यूमिन। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ साधारण हल्दी का सेवन या हल्दी पाउडर का सेवन करके कर्क्यूमिन की शरीर के लिए जरूरी मात्रा शायद ही प्राप्त की जा सकती है। तो क्या करें, और कारण क्या है इसका कि बहुत शायद ही मिले? कारण यह है कि हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा बहुत कम होती है, 2-5% ही होती है। इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम यदि कर्क्यूमिन आपने लिया, 100 ग्राम हल्दी में से सिर्फ 2-5 ग्राम ही मिलेगा, और उतनी हल्दी आप खा नहीं सकते। ऐसे में अगर आपको कर्क्यूमिन का सीधा सेवन करना है तो आपको सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क्यूमिन के 2 बेहतरीन सप्लीमेंट जो बड़े आसानी से किफायती तरीके से आपको आपके कर्क्यूमिन का डोज डेली लाइफ में दे सकते हैं। और ये हैं वो 2 ऑथेंटिक सप्लीमेंट्स, गोयंग का कर्क्यूमिन कैप्सूल और गोयंग का क्योर क्यूमाइन ड्रॉप्स। कर्क्यूमिन एक तो कैप्सूल है और जो क्योर क्यूमाइन है वो ड्रॉप फॉर्म में है, जिसमें कि बूंद में उसके अर्क हैं। ये जो कर्क्यूमिन कैप्सूल है गोयंग का, वो बना है 95% हाई क्वालिटी कर्क्यूमिनोइड से, और इसमें ऐड किया गया है बायोपेरिन ताकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाए। कितनी हो जाए, तो 154% इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी इसके अंदर आपको मिलेगी, 92% एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन एंड 250x जो है इसका मोर पोटेंट हो जाता है। ये है ये कैप्सूल जो बड़े आसानी से आप 1-2 कैप्सूल रोज ले सकते हैं, और आप उस 500 mg के कैप्सूल से आपके कर्क्यूमिन की उस मात्रा को बिना 5-10 चम्मच हल्दी खाए आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये कुछ उसके बेनिफिट्स आप देख रहे हैं उसी कर्क्यूमिन कैप्सूल के, और ये है कर्क्यूमिन ड्रॉप जो इतने सारे बेनिफिट्स को आपको देता है। सिर्फ पानी में ये ड्रॉप कभी भी आप मिला सकते हैं, अपने ड्रिंकिंग वाटर को हमेशा गोल्डन बना सकते हैं, और ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द फाइनेस्ट कर्क्यूमिन कैप्सूल अवेलेबल इन इंडिया, क्योर क्यूमाइन और ये कर्क्यूमिन, ये ड्रॉप, ये कैप्सूल और ये ड्रॉप। ये मैं कुछ उसके फायदे गिना रहा हूँ कि क्योर क्यूमाइन के क्या फायदे हो सकते हैं, जो हमने अभी पीछे के स्लाइड में समझे हैं। वाइल इन हरी आप ये पर्टिकुलर ड्रॉप को, जो छोटा सा ड्रॉप है 30 ml का, अपने आप पर्स में, बैग में, ऑफिस ड्रॉअर में, कार के डैशबोर्ड में रख सकते हैं, और जब भी आप पानी पी रहे हैं ट्रैवल में साथ ले जा सकते हैं, ऑफिस में ले जा सकते हैं और टपका सकते हैं। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है और ये सारी क्वालिटी पैरामीटर्स से दोनों के दोनों प्रोडक्ट लेस हैं। ये 2 प्रोडक्ट रहे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स एट ऑनेस्ट प्राइस, और ये दोनों प्रोडक्ट सारे के सारे ई कॉमर्स पे, लीडिंग ई कॉमर्स पे अवेलेबल हैं, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, जियो मार्ट हो, बिग बास्केट हो, टाटा 1MG हो। लेकिन यदि आपको इस पे बेहतरीन डिस्काउंट चाहिए और रिवार्ड पॉइंट्स भी चाहिए, तो आप इसको खरीद सकते हैं वेल्दी लाइफ के पोर्टल से, www.wealthylife.in, और यहाँ से आप ये ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात कर रहे थे कर्क्यूमिन की, जो हल्दी के अंदर पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, 100 ग्राम हल्दी में सिर्फ 2-5 ग्राम कर्क्यूमिन होगा, और उसकी भी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। तो जो हल्दी हम रोज खाते हैं और समझ रहे हैं कि हल्दी बहुत गुणकारी है, कर्क्यूमिन की वो मात्रा आपको नहीं मिल रही है, और वो मात्रा लेने के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। और मैंने इस सेशन में आपको 2 बड़े ही बेहतरीन सप्लीमेंट बताए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक दूसरे सेशन में।
थैंक यू सो मच।